मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी 2023, प्रतिष्ठित मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी वर्ष 1956-57 में संस्थापित की गई ये रनिंग ट्रॉफी है जो उस विश्वविद्यालय को प्रदान की जाती है जिसने खेलों में सर्वांगीण सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन दिखाया है। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी के विजेता को विश्वविद्यालय द्वारा 15 लाख रुपए का नगद पुरस्कार और रोलिंग ट्रॉफी की एक छोटी प्रतिकृति दी जाती है। समग्र रूप से विजेता विश्वविद्यालय की सिफारिश करने के लिए गठित चयन समिति की सिफारिश के आधार पर सरकार ने गुरु नानक देव विश्वविद्यालय अमृतसर पंजाब को वर्ष 2022-2023 की अवधि के लिए मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी का विजेता घोषित किया है। गुरु नानक देव विश्वविद्यालय अमृतसर पंजाब प्रोफेसर डॉक्टर जसपाल सिंह संधु, डॉक्टर कंवर मनदीप। प्रतिष्ठित मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी वर्ष 1956-57 में संस्थापित की गई ये रनिंग ट्रॉफी है जो उस विश्वविद्यालय को प्रदान की जाती है जिसने खेलों में सर्वांगीण सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन दिखाया है। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी के विजेता को विश्वविद्यालय द्वारा 15 लाख रुपए का नगद पुरस्कार और रोलिंग ट्रॉफी की एक छोटी प्रतिकृति दी जाती है। समग्र रूप से विजेता विश्वविद्यालय की सिफारिश करने के लिए गठित चयन समिति की सिफारिश के आधार पर सरकार ने गुरु नानक देव विश्वविद्यालय अमृतसर पंजाब को वर्ष 2022-2023 की अवधि के लिए मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी का विजेता घोषित किया है। गुरु नानक देव विश्वविद्यालय अमृतसर पंजाब प्रोफेसर डॉक्टर जसपाल सिंह संधु, डॉक्टर कंवर मनदीप प्रोफेसर डॉक्टर जसपाल सिंह संधु डॉक्टर कंवर मनदीप